क्या ब्रेस्ट इम्प्लांट्स की वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर जय आर अनम है। मैं मुंबई में स्थित एक ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या ब्रेस्ट इम्प्लांट्स की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो मेरा आंसर है नो एंड यस। तो पहले मैं कहता हूँ कि नो क्यों। नंबर वन चीज़ हमें समझना है कि ब्रेस्ट इम्प्लांट्स की वजह से कभी ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। बट आगे हमें ये भी समझना है कि ब्रेस्ट इम्प्लांट्स की वजह से कैंसर ज़रूर हो सकता है। ये कैंसर को हम एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा कहते हैं या शॉर्ट फॉर्म में ALCL कहते हैं। ये एक टाइप का ब्रेस्ट कैंसर नहीं है बट ये एक टाइप का लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर है। तो ये जो ALCL होता है यानी कि एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा, ये एक टाइप का नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा है एंड ये जो है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को असर करता है। तो ये मेनली उन ब्रेस्ट इम्प्लांट्स वाले महिलाओं में होता है जिनका ब्रेस्ट इम्प्लांट टेक्सचर्ड होता है। अभी टेक्सचर का मीनिंग ये है कि जो ब्रेस्ट इम्प्लांट डाला गया है वो स्मूथ नहीं है, वो थोड़ा सा रफ़ है। वो रफ़ होने की वजह से वो अपनी जगह पे स्थित रहता है, वो मूव नहीं करता है। तो इसकी वजह से जो ब्रेस्ट इम्प्लांट रिलेटेड जो दूसरे माइनर कॉम्प्लिकेशंस है वो बंद हो जाते हैं। बट हमें अभी तक इसका एग्जैक्ट मैकेनिज़्म नहीं मालूम जिसकी वजह से ये टेक्सचर्ड इम्प्लांट जो रहते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। तो अगर मैं डेटा में जाऊँ तो 1 out of 50,000 लेडीज़ हु हैव गॉट दीज ब्रेस्ट इम्प्लांट्स कैंसर हो सकता है, 1 out of 50,000। तो ये बहुत ही रेयर होता है जो है। एंड इसके साइन सिम्टम्स बहुत ही ऑब्वियस से होते हैं। कोई टाइम ब्रेस्ट में जहाँ पे इम्प्लांट है वो शेप चेंज हो जाता है, कोई टाइम पानी भर जाता है, कोई टाइम एक लंप आ जाता है, किसी किसी केसेस में स्किन में हार्डनिंग और रेडनेस हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो आपको आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब जो है वो एक बायोप्सी करेंगे, थोड़ी बहुत इमेजिंग करेंगे एंड इसके लिए सर्जरी ऑफर की जाती है। अगर हम इसे अर्ली स्टेज पे कैच करते हैं तो फिर इसका 100% क्योर भी हो सकता है। एंड आपको ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के बारे में या तो फिर इससे रिलेटेड कैंसर के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं या मेरी टीम आपको संपर्क ज़रूर करेंगे। थैंक यू।